अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होगी और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं आपके साथ पाव भाजी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, मुंबई स्टाइल पाव भाजी। पाव भाजी तो हर किसी को पसंद है, तो चलिए उसके लिए हमें क्या क्या लगेगा मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने फूल गोभी लिए, एक पूरा बंच लिया था, और आलू लिए थे, 5 आलू का अच्छी तरह से कट किया है, शिमला एक ही लिया है, और ये हमारी ग्रीन पीस है। तो अगर आप फ्रोजन ले रहे हो तो फिर उसको आपको बॉईल करने की जरूरत नहीं, उबालने की जरूरत नहीं है। अगर फ्रोजन नहीं ले रहे हो तो उसको उबाल लेना, वैसे तो मार्केट में अवेलेबल है। तो चलिए हम पहले इसे उबाल लेंगे। तो उसके लिए मैंने कुकर में पहले ही तेल रख दिया गर्म के लिए, क्योंकि इस तरह से जब हम इसको बॉईल करते हैं थोड़ा भून कर, तो उसमें एक अलग ही फ्लेवर आता है पाव भाजी में। तो चलिए मेरा तेल गर्म हो चुका है, तो मैं उसमें सबसे पहले जीरा डालेंगे और जीरा को तड़कने देंगे। जीरे का कलर चेंज हो गया, अब इसमें हम एक पिंच एस्पोडीटा हींग डालेंगे। हींग भी हमारा भून चुका है, आगे देखने जो हमने कट किया सब्जियां वो इसमें डाल लेंगे और फिर भूनने देंगे कम से कम 5 मिनट के लिए। ये जो हमारे मटर है ये भी डाल देंगे इसमें, आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे इसमें, इसे हम थोड़ी देर के लिए भुनेंगे। इस तरह से अगर आप बनाओगे ना पाव भाजी तो देखना बहुत ही टेस्टी लगती है, क्योंकि हमारे जो मसाले भून जाते हैं, हम अगर इस तरह से बॉईल कर लेते हैं बस और उसे फिर बनाते हैं तो ज़रा इतना मज़ा नहीं आता है। ये मुंबई स्टाइल है तो इस तरह से बनाना। हरी मिर्च भी ऐड करेंगे उसमें, आप इसी समय टमाटर भी डाल सकते हो, मीन्स भूनने के लिए, अच्छी तरह से वो घुल जाएंगे, मैश हो जाएंगे, पर और बाद में भी डाल सकते हो चाहो तो, आपकी मर्जी। ये देखिए हमारी सब्जियों का कलर चेंज हो गया, भुन चुकी है हमारी सब्जी। अब हम इसमें एक ग्लास पानी ऐड करेंगे, आधा ग्लास और पानी इसमें ऐड करेंगे, पानी ज्यादा नहीं डालना है। और देखिए जो ये पानी अगर पकने के बाद भी बच जाता है तो पानी नहीं फेंकना, वही पानी को हम पाव भाजी में पानी की जैसे हमको पतला करने के लिए ऐड करना होता है ना, तो ये पानी ऐड करना। चलिए अब हम पाव भाजी का मसाला बनाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या क्या लगेगा, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ये है, और ये टमाटर भी है, 2 टमाटर की प्यूरी की आप काट कर भी डाल सकते हो, 3 प्याज को बारीक काटा हुआ है, और मसालों में एवरेस्ट मसाला 2 टेबल स्पून भर के लिए है, और अपना भुना जीरा है, लाल मिर्च पाउडर 1/4 हल्दी और 1/4 गर्म मसाला, और ये हमारा धनिया पाउडर है। एक्चुअली बहुत बार टेक हो चुका है, 25 रुपये टेक हो गया, फिर जल्दी से बनाती हूँ। 50 ml के करीब तेल गर्म के लिए रख दिया, तेल हमारा गर्म हो चुका है क्योंकि इतनी बार टेक लिया तो तेल को गर्म होना पड़ा। और अभी इसमें सबसे पहले हम प्याज डालेंगे, और प्याज को ज़्यादा नहीं डालेंगे, इससे उसका कलर थोड़ा सा तेज आता है। ये देखिए हमारी सब्जियाँ अच्छी तरह से गल गई है, क्योंकि मैंने इसे बारीक काटा हुआ था, इसलिए ज़्यादा मतलब घर में मैश करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं इसी कुकर के अंदर उसे मैश करूँगी। ये देखिए हमारी पाव भाजी खाने के लिए तैयार हो गई है, आप इसे नींबू प्याज के साथ सर्व कीजिए। और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, देखिए खाना बनाना मुश्किल नहीं होता है, पर वीडियो बनाते हुए खाना बनाना बहुत मुश्किल था, और मुझसे बहुत गलती होती है बोलने में, मसाले को समझाने में, बताने में। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, नहीं पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी तो जरूर से अपने दोस्तों में शेयर करना, और घर पर जरूर उसको ट्राई करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।